मुझे पहले नहीं पता था कि पुलिस वाले इतने बेवकूफ होते हैं। अबे हरामखोर, मैं जो तुझे हर महीने ये पैसे देता हूँ और जिन पैसों को तू शराब और अय्याशी पे खर्च करता है, उससे थोड़ा बादाम नहीं खा सकता? दिमाग काम करेगा तेरा। सर मेरा विश्वास करिए, मैं सच कह रहा हूँ, वो कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है। उसे अपनी जेल में क्यों रखा है? बड़ी आसानी से रिपोर्टर्स उस तक पहुंच जाएंगे। राणा वाले मामले में मीडिया का कोई दखल हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आज रात को ही राणा का इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर? चौंक क्यों गया रे? पहले कभी इनकाउंटर नहीं किया क्या? पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे। जा मार दे उसे। समझ गया सर, राणा आज रात ही मारा जाएगा। सुनसान रास्ते पे गाड़ी रोक देना, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। सुन, ज्यादा गोली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, दो चार में इसका काम खत्म हो जाएगा। समझ गया? यस सर। ठीक होने के बाद मैं वापस आ गया और मैंने उन सबको मार डाला जिन लोगों ने मेरे देवता जैसे माता पिता को मार डाला, जिन लोगों ने मेरी मासूम बहन को कलंकित किया। अब मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, लगा दो फांसी मुझे। लेकिन प्लीज एक बार मुझे मेरे प्यार मेरी अंजलि से मिलवा दो। अब प्लीज उसे ढूंढो, उसे उसके बाप की जेल से आजाद करवाओ। प्लीज ऑफिसर, प्लीज। आप जहां बोलेंगे मैं साइन कर दूंगा, आप जहां बोलेंगे मैं वहां चलूंगा, आप जो गवाही देने के लिए कहेंगे मैं दे दूंगा, बट प्लीज प्लीज। मैं अंजलि को एक आखिरी बार देखना चाहता हूं, प्लीज प्लीज ऑफिसर, प्लीज। अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।